नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोहरदगा टीपीसी नक्सली संगठन के नाम पर पोस्टर चिपकाकर लेवी मांगने और गोली चलाने वाले तीन आरोपियों को लोहरदगा पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक आर राम कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया घटना के समय प्रयुक्त में लाए गए तीन मोबाइल स्कूटी और एक देशी पिस्तौल पुलिस ने बरामद किए हैं। उन्होंने बताया गिरफ्तार किए गए रवि साहू गुमला के सिसई थाना क्षेत्र के पौढ़ा गांव के रहने वाले हैं, वही शिवराज साहू और नमल साहू लोहरदगा नीगनी के रहने वाले हैं। ये सभी पैसा कमाने के उद्देश्य से पिछले 8 मई को सदर थाना क्षेत्र के निगनी के ईट भट्ठा मालिक उपेंद्र साहू के घर पर टीपीसी नक्सली संगठन के पोस्टर चिपकाने और गोली चलाकर लेवी मांगने का कार्य किए थे। तब ग्रामीणों के साथ भट्ठा मालिक और उनके परिवार काफी भयभीत थे। वॉल पर पोस्टर भी चिपकाया था टीपीसी का नाम पर और उस पर घर पर एक फायरिंग भी हुआ था, एक गोली भी उधर मिला था, कोखा मिला था। उस पर अनुसंधान के लिए हम लोग एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित थे, हमारे एसपी साहब का अभियान साहब का नेतृत्व में, एसडीपीओ साहब और टाउन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर संतोष और पूरा टीम था और विभिन्न ऑफिसर्स इसमें मौजूद थे। इसमें लगातार हम लोग वर्कआउट कर रहे थे, उसमें टेक्निकल और ह्यूमन इनपुट्स पर हम लोग को इनपुट्स मिला है और उसी के आधार पर तीन लोग को गिरफ्तार हुआ है। इन तीन लोग उनका अपराध भी स्वीकार किया गया है और इन लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन का नहीं, ये लोग लोकल ही है और इन लोगों मतलब फास्ट पैसा कमाने के लिए इन लोग ऐसा धमकी दिया और उनसे इनको रंगदारी मांगा था और ये कैसे हुआ है। और किसी प्रकार का आपराधिक इतिहास इनका रहा है? एक आदमी पर मतलब एक मर्डर केस का आपराधिक इतिहास है कांके थाना के, बाकी देखा जाए। इसमें रवि साहू, शिवराज साहू, नवल साहू तीन लोग है। तीनों कहाँ के रहने वाले हैं सर? दो, एक तो सिसाई गुमला का है, दो इधर निगनी का है। सर मुख्यतः उद्देश्य क्या था सर? मतलब पैसा, मतलब इससे रंगदारी मांगकर पैसा लेने के लिए, यही है। और यही लोग अपील है, ऐसे कोई कॉल आए तो तुरंत लोहरदगा पुलिस को इमिडिएटली संपर्क करें, हम लोग उसमें अनुसंधान करके उसको। क्या क्या बरामदगी हुई है सर? एक देसी कट्टा है और एंड्रॉयड मोबाइल, सैमसंग कीपैड और स्कूटी। वी टाइम न्यूज़ के लिए लोहरदगा से आनंद कुमार सोनी की रिपोर्ट।